आजादी के 75 बरस हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई नहीं बता सकता। राजस्थान के जालौर में एक मासूम की मटका छूने पर हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हुशियो। जालौर के बाद अब जैसलमेर में मटका छूने पर एक युवक के साथ बेरहमी की इंतहा की गई। आरोप है कि पानी का मटका छूने पर तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने दलित युवक को दौड़ाया, लात घोंसो लाठी डंडों से जमकर पिटाई की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का नाम चुतराम मेघवाल है, जो जैसलमेर के डिग्गा गांव का रहने वाला है। पीड़ित की ओर से थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों रात 8 बजे कुछ सामान लेने के लिए वह बाहर गया था। वापस लौटते समय उसने गांव की एक दुकान के बाहर रखे मटके से पानी पी लिया। बस यही बात विक्रम सिंह, जितेंद्र सिंह और देवी सिंह समेत कुछ अन्य युवकों को बुरी लग गई और उन्होंने पहले उसे जाति सूचक गालियां दी, इसके बाद उसे पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की तो लोहे के सरिये से उस पर हमला किया गया। पीड़ित के कान के पास गंभीर चोट आई है, शरीर के अन्य हिस्सों पर भी जख्म के निशान हैं। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके पहले जालौर के सुरहड़ा गांव के मासूम इंद्र मेघवाल की छैल सिंह नाम के एक टीचर ने कथित तौर पर पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप था कि दलित बच्चे ने स्कूल में रखे एक मटके से पानी पी लिया था। अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ अपने ही लोग हैवानियत कर रहे हैं। मानसिक तौर पर बीमार, बहुत बीमार हो चुके कुछ लोग समाज को आए दिन कलंकित कर रहे हैं, लेकिन इस बीमारी का ना तो कोई इलाज किया जा रहा है, ना ही कोई मुहिम चलाई जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर कब तक भेदभाव होता रहेगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।